अगर कोई स्कूल आपको परेशान कर रही है तो आप चुप ना बैठे, उसके खिलाफ आकर FIR करिए। आपने इतने सालों से उनको फीस भरी है, कहीं लाख रुपया इन लोगों ने हमारे थ्रू कमाया है, आज जब थोड़ा पेबैक करने का टाइम है तो वो एग्री नहीं कर रहे। इस ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई थी, आज पांच पांच माला बन गया, दूसरी बिल्डिंगें खरीद रही है, सब आपके पैसे से खरीदा है। 3 महीने फीस कम से कम मिनिमम आप माफ कर। रहा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में स्कूल की 3 महीने की फीस माफ करने के लिए MIM पार्टी के अशरफ चौधरी ने एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ से मुलाकात की थी और उन्हें लेटर भी दिया था। उसी लेटर की कॉपी मुंब्रा कौसा के कई स्कूलों को अशरफ चौधरी ने दिया और उन स्कूलों से रिसीव भी लिया। स्कूलों के तरफ से अशरफ चौधरी को बताया गया है कि 3 महीने की फीस माफ़ की जाएगी। अशरफ चौधरी ने बॉस्को भारत इंग्लिश स्कूल, रहनुमा इंग्लिश स्कूल, सेंट मैरी स्कूल, असदुल्ला स्कूल, सलमान फारसी स्कूल, नेशनल उर्दू स्कूल, सुमैया स्कूल, इन स्कूलों ने 3 महीने की फीस माफ़ करने की जानकारी MIM पार्टी के अशरफ चौधरी को दी है। क्या पूरी जानकारी दी है MIM पार्टी के शहब पठान और अशरफ चौधरी ने, सुनिए। आपने एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात की थी, उसके बाद आप मुंब्रा कौसा के कई स्कूलों में भी जो है लेटर दिए हैं 3 महीने की फीस माफी लेकर, तो आप कौन कौन से स्कूल में लेटर दिए और स्कूलों ने रिसीव दिया और माफ करने का क्या आश्वासन दिया है आपको? सर, मैं अभी तक के 12 स्कूल को लेटर दे चुका हूँ, 12 स्कूलों को लेटर, ये लेटर दे चुका इसकी कॉपी, जिसमें से बॉस्को स्कूल है, रहनुमा स्कूल है, सलमान फारसी स्कूल है और अलमास में नेशनल स्कूल है, नेशनल स्कूल है, क्वीन मेरी स्कूल, सेंट मेरी स्कूल और उसके बाद में सुमैया स्कूल है, शोएब स्कूल है, MS कॉलेज है, असदुल्ला खान स्कूल है, सिम्बासी स्कूल, इन 12 स्कूलों को मैं अभी तक लेटर दिया हूँ। इसमें से मुझे सारे स्कूलों ने रिसीव दिया, लेकिन सिर्फ 3 स्कूलों ने मुझे रिसीव लेटर नहीं दिया अभी तक। कौन कौन से स्कूल है? इसमें से सिम्बासिस एक है, क्वीन मेरी है और MS कॉलेज है। अच्छा, और जिन स्कूलों ने आपको रिसीव दिया तो उन लोगों ने क्या कहा है आपसे, फीस माफ करेंगे 3 महीने का या नहीं? जिन स्कूलों ने रिसीव दिया है बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह उनसे मुलाकात हुआ, उनके प्रिंसिपल लोग से, सुमैया स्कूल जिसमें से है और बाकी के स्कूल जो भी है, तो उन लोगों ने 3 महीने फीस माफ करने का मुझे आश्वासन दिया है। अच्छा, जिन लोगों का नाम आपने बताया स्कूलों का, ये स्कूल है क्या, कौन कौन से स्कूल है जो माफ करने के लिए कहा है आपसे, नाम बताइए ना उन स्कूलों का। हाँ, उसमें से एक बॉस्को स्कूल है और बॉस्को स्कूल है, सलमान फारसी है, रहनुमा स्कूल है और उसके बाद में सेंट मेरी है और हमारे असदुल्ला खान स्कूल है, इन्होंने भी कहा है कि 3 महीने फीस हम माफ किए हैं। जिन स्कूलों ने आपको रिसीव नहीं दिया है तो उनके खिलाफ आपकी पार्टी क्या कार्रवाई की, क्या कदम उठाएगी? जिन स्कूलों ने मुझे रिसीव लेटर नहीं दिया है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अपनी टीम के साथ वापस मैं वर्षा गायकवाड़ के पास जाऊंगा और उनसे मुतालबा करूंगा कि मैडम यहाँ फीस माफी नहीं हो पा रही है, तो मैं उनसे जिन्होंने रिसीव नहीं दिया है उस स्कूल वाले से वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप माफ करो और जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया अभी तक वो स्कूल वालों से भी कह रहा हूँ कि 3 महीने फीस कम से कम मिनिमम आप माफ करो। सर, भाई जिस तरह से स्कूलों की तरफ से फीस के लिए काफी दबाव बनाया जा रहा है और मैसेज भी चलाया जा रहा है कि आप फीस जमा करें, तो इसको लेकर आप क्या? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो एजुकेशन माफिया यहाँ पर बड़े धड़ाडे से चलता है, जबकि आपको याद होगा कि प्रशासन ने खुद लॉकडाउन के पहले ही महीने में डिक्लेयर किया था कि अगर कोई भी स्कूल आपसे फीस मांगते तो आप उसके खिलाफ FIR करिए। ये तो ये शहर के लोगों की एक ईमानदारी, एक मोहब्बत है कि ये लोग स्कूलों के खिलाफ नहीं जा रहे। अगर फिर भी आप देख रहे हो कि रोज हम लोगों को खबर आती है कि आज कोई स्कूल ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजी फीस के लिए, कोई स्कूल धमकी दे रही है कि हम बच्चे का रिजल्ट नहीं देंगे, हम एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, तो मैं आपके माध्यम से यहाँ के पेरेंट्स, हमारे जो मुंब्रा शहर के रहवासी हैं, उन पेरेंट्स को मांगनी करता हूँ, यानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई स्कूल आपको परेशान कर रही है तो आप चुप ना बैठे, उसके खिलाफ आकर FIR करिए। आप हमको बोलिए, हम आपके साथ में चलेगी, पूरी MIM टीम आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। और आप अभी यानी कोई आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हो, ये मजबूरी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में चल रही है, आज सब लोग परेशान है, तो आप अपना हक मांग रहे हो जो हमको प्रशासन ने ऑलरेडी पहले ही डिक्लेयर कर चुका है, तो आप आइए FIR करिए उनके खिलाफ और उनके खिलाफ कंप्लेंट करिए और अपनी फीस जो है, जो एजुकेशन माफिया, उसको रोकिए, क्योंकि आपने इतने सालों से उनको फीस भरी है। प्राइवेट स्कूल आज जो ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई थी, आज पांच पांच माला बन गया, दूसरी बिल्डिंगें खरीद रही है, सब आपके पैसे से खरीदा है, तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई भी करिए। और मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, अगर स्कूल माफिया के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती, कोई पेरेंट्स आता, तो आज सब परेशान है,
आप लोग प्लीज उनकी रिक्वेस्ट लीजिए, उनकी कंप्लेंट करिए और उस पर कार्रवाई करिए, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान परेशान। कहीं लाख रुपया इन लोगों ने हमारे थ्रू कमाया है, हमारे यहाँ के स्टूडेंट के थ्रू कमाया, यहाँ के पेरेंट्स लोग से लिया है, आज जब थोड़ा पे बैक करने का टाइम है तो वो एग्री नहीं कर रहे, तो उसके खिलाफ हम वर्षा करवा मैडम से मिला। जैसे कि अशरफ भाई स्कूल के लोगों से मुलाकात किए, कुछ लोगों ने आश्वासन दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो एमआईएम उसके लिए क्या करेगी? देखिए इंशाल्लाह ताला ये किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, पूरे समाज का मामला है, सब परेशान है इसमें। एमआईएम पूरे तरीके से यानी हर तरीके से, अगर स्टूडेंट के लिए उनको जिस तरीके से भी खड़ा होना पड़ा, चाहे वो धरने की शक्ल में हो, आंदोलन की शक्ल में हो, हम खड़े रहेंगे, हम इसकी कंप्लेंट ऊपर तक करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये जो भी स्कूल है आज भी यानी अपना एजुकेशन माफिया, और यहाँ के जिन लोगों के भी यानी उनके सर पे हाथ, उनके बल पे सोच रहे कि हम नहीं माफ करेंगे, हम चला लेंगे, तो ये एमआईएम अब होने नहीं देगी। इंशाल्लाह ताला यहाँ के स्टूडेंट और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनके, उनको राहत दिला के रहेगी।